क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो आज हमारा ऋषिकेश का डे टू, तो आज हम काफ़ी कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, निन्नू आई अभी। तो आज हमारा ऋषिकेश का डे टू, तो गुड मॉर्निंग, आज हमारा ऋषिकेश का डे टू और आज हम काफ़ी कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं। और इसके लिए बताना है, मैं क्यों बताऊँ पहले, तो आपको इसके लिए थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और क्या, चोटी वाला होटल देखते हैं, वहाँ जाना हो पाता कि नहीं हो पाता है। अभी तो खैर हम यहीं से निकल रहे हैं, जैसे हम टाइम में निकल जाए तो हम बिना धूप के पहुँच जाए अपने लोकेशन पे और मैं इंजॉय कर पाए। सी यू देयर। पप्पी फेस कैसे बनाते हैं? इन्होंने सिखाया पप्पी फेस। वहाँ हमारे घर वाले खाना खा रहे हैं और हम लोगों की आईज भी नहीं खुल रही है। और ये हमारे भ्राताश्री ऑफिस का काम करते हुए ट्रिप पे भी। भ्राताश्री क्या हो रहा है? ओ, क्या हो रहा है? ऑफिस टाइम, ऑफिस इन वैली। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, पापा का फोन चुराया है। ओह माय गॉड, चोरी। ओह माय गॉड, चोरी। तो यहाँ जल्दी जल्दी करते हुए भी हम ले चुके हैं अपने कैंपिंग एरिया से विदा और हम जा रहे हैं अपने मेन ऋषिकेश की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड डे का सफर इन ऋषिकेश। ऋषिकेश इज ऑन। तो हमारी दो पार्टी यानी ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन। तो ओल्ड जनरेशन जा रही है हमारी लक्ष्मण झूला, राम झूला, मतलब जितने झूले हैं वो कवर करने, और हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट करने। तो इन लोगों को तो मैं शूट ही नहीं कर पाऊंगी, बट अपना तो मस्त शूट होगा यार। तो ये हम लक्ष्मण झूला वाले मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। पता है क्या, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं उस सिटी की फेमस चीज अपने घर लेके जाऊँ। कमेंट करना अगर आप भी ऐसे करते हो तो। देखो देखो देखो, ये देखो देखो, ये कोई हंस रहा है, थक गए क्या? ये कुछ रियलिटी बता रहा है, कह रहा है कोई वर्कर मिल रही है। मैं तो पहले कहती हूं कुछ लेके आती लाइन में लग के, कहती है देखो भाई हमारा वर्कर आ चुका है। ये तो सब सच बताने की नहीं होती है, ये सिर्फ स्कीम ऑफ कर देता भाई हमारा। तुम स्कीम को बोलो सच बता के, सब जो करो डंके की चोट करो, सारे ऊपर आउट है। यहाँ पे सुंदर सुंदर इयर रिंग्स। तो बज रहे दोपहर की 12 और यहाँ पे हम आए थे लक्ष्मण झूला देखने, बट यहाँ पे ना क्या पता चला कि लक्ष्मण झूला बंद है काफ़ी टाइम से। वो दिखाती हूँ व्यू कैसा है यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला बंद है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ आना जाना अलाउड नहीं है पीछे। बट सुनने में आ रहा है कि इसको ग्लास बॉटम ब्रिज से रिप्लेस किया जाएगा। हाँ, पर देखते हैं कब तक रिप्लेस होगा और उसको कब देखने आना होगा फिर से। क्या बना के दे रहे हो भैया आप? बन छोले, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और क्या क्या है? दो ही आइटम है, दो ही आइटम है। तीसरा है, ये हमारे स्पाइसी छोले हैं जी। तो हमने ही कार बुक कर ली है और हम जा रहे हैं शिवपुरी राफ्टिंग के लिए। लिटरली बहुत सस्ते रेट से हमने ये बुक करी है, बहुत सस्ते। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो आप? ये काम कर रहे हैं, तो राफ्टिंग जा रहे हैं सब लोग। ये आप हो या आपकी राफ्ट है? मैं आप हाटा, आप राफ्टिंग कर रहे हैं? वो देखिए पीछे वार्ड का ग्रुप जा रहे हैं। यस, हाय करिए सब लोग, हाय हाय। लाइफ जैकेट
इससे डूबते नहीं है, इससे डूबते नहीं है। नाम बताइए भाई आपका। साइड हो जा, ले जाएगी नाम से। नाम बताइए भाई आपका। ओम वर्मा। अरे वर्मा ही फिर। सास आ रही है? नहीं सास अभी नहीं, शादी के बाद। साफ सुथरा मेरे पास हेलमेट आ चुका है। एक है हमारी फोटो की शौकी, बीमार हो कुछ भी हो सर दर्द हो फोटो चाहिए हमेशा ऐसे मार है और ऐसे फोटो चाहिए। अभी कहाँ दर्द हो रहा तेरे? दर्द सर में भी हो रहा है पर एक्साइटमेंट। और हम राफ्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं अपना। यहाँ मुझे अच्छी खासी भीड़ दिख रही है और दिख रहा है कि हाँ लोग वीकेंड पे पूरा एंजॉय करने आए हुए हैं। तो हम यहाँ मैगी खाने के लिए रुके हैं। राफ्टिंग का एंड होने वाला था पर भैया बोले कि हाँ मैगी वगैरह अच्छी मिलती है तो हम रुके हैं मैगी खाने के लिए। सो राफ्टिंग डन, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी लोकेशन पे जहाँ हमने कार पार्क करी है अपनी। तो वहाँ से देखते हैं हम कहाँ जाना होता है। वैसे तो हम अपने बैक टू होम जाएंगे बट अगर लकीली कुछ मिल गया तो वो जरूर करेंगे हम। तो यहाँ एंड करते हैं अपना ऋषिकेश ब्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जल्दी से आके सब्सक्राइब करो यार। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका लोकल रिस्पॉन्स देखकर। चलो सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।